नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी क्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और ये एक्सपेक्टेड जनरल नॉलेज एमसीक्यूज़ हैं 15 से 21 फरवरी 2017 के लिए। मैंने इसमें सभी क्वेश्चंस में पिक्चर्स डाली हैं, कंसर्न पिक्चर्स डाली हैं, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यदि आपने किसी चीज़ को देखा हो तो आपको आसानी से वो चीज़ याद रह सकती है। तो बिना समय व्यर्थ करे चलिए शुरू करते हैं। आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस, ये किताब किसने लिखी है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसकी यहाँ पे पिक्चर डाल रखी है और ये स्टीवन आई विल्किंसन नामक शख्स ने लिखी है। तो स्टीवन विल्किंसन एक प्रोफेसर है पॉलिटिकल साइंस के, येल यूनिवर्सिटी अमेरिकन है ये। और इन्होंने इंडियन आर्मी की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ जो भी रिलेशनशिप रही है उसके बारे में ये किताब लिखी है। और ये किताब न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं अभी आजकल कमार जावेद बाजवा, उन्होंने अपने अफसरों से बोला कि इस किताब को ज़रूर पढ़ें कि इंडिया अपनी आर्मी के साथ रिलेशनशिप कैसे मेंटेन रखती है, कैसे उसे स्थापित रखती है। तो इस किताब के ऑथर हैं स्टीवन विल्किंसन और इस किताब का नाम है आर्मी एंड नेशन, द मिलिट्री एंड इंडियन डेमोक्रेसी सिंस इंडिपेंडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2017 इंटरनेशनल कॉन्डम डे का क्या थीम है? तो इसमें हमसे इंटरनेशनल कॉन्डम डे 2017 का थीम पूछा है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक फोटो भी डाली है इसकी। तो ये पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल कॉन्डम डे फरवरी 13 को मनाया जाता है और इस बार की इसकी थीम थी ऑलवेज इन फैशन। यहाँ पे इसने लिखा हुआ भी है कॉन्डम के ऊपर, ऑलवेज इन फैशन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज 2017, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर करी गई, मतलब इसे किस यूनियन मिनिस्ट्री ने कराया? तो ये यहाँ पे इसकी फोटो भी मैंने डाली है। तो ये 15 से 17 फरवरी 2017 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित करी गई थी और इसको ऑर्गेनाइज करा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने। इसका जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री। तो अगर आप देखें तो ये जो कॉन्फ्रेंस है माइनिंग एंड फ्यूल इंडस्ट्रीज, तो इसका जैसा कि नाम है ये सिविल एविएशन तो डेफिनेटली नहीं करवाएगा, कॉरपोरेट अफेयर्स करवा सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस भी करवा सकता है, लेकिन इसे करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्री ने। तो इसमें ये लोग क्या करेंगे? बेसिकली इसमें ये लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एडवांसेस इन माइन डिजाइन, माइन प्लानिंग और रीसेंट एडवांसमेंट्स इन ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, मतलब जो भी माइनिंग इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करी जाएगी। और इसका इनॉग्रेशन डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया था जो कि यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। चलिए आगे बढ़े। कोबरा गोल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2017 किस कंट्री ने करवाई? तो ये तो थाईलैंड करवाता ही, हम सबको मालूम है हर बार थाईलैंड ही रहता है। तो इस बार क्या विशेष रहा है इस कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज में? ये तो ये 36वां एडिशन था मिलिट्री एक्सरसाइज का और इसमें 8,300 लोगों ने भाग लिया, 29 कंट्रीज थी इसमें और यहाँ पे कुछ कंट्रीज के झंडे भी दिए हैं। इनमें प्रमुख रही जापान, साउथ कोरिया, चाइना और देख सकते हैं कि इसमें इंडिया भी था, तो अमेरिका भी है इसमें। तो और ये दुनिया एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जो कि थाईलैंड में हर साल कराई जाती है। तो याद रखिए कि कोबरा गोल्ड जॉइंट एक्सरसाइज थाईलैंड द्वारा करी गई। जहान दारूवाला हम सब जानते हैं, ये भारतीय हैं और इन्होंने इस साल 2017 न्यूजीलैंड ग्रांड प्री जीत ली है। ये आसान सवाल है इंडिया और ये 11 और 12 फरवरी को आयोजित की गई थी मैनफील्ड नामक शहर में। ये जहान दारूवाला की तस्वीर है यहाँ पे।
ये हर साल आयोजित करी जाती है और हालांकि ये नेशनल फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी एक इम्पोर्टेंट वो है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी रेसेस जो हैं ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे जो कि फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, तो एक तो ये न्यूजीलैंड ग्रांड प्री है और दूसरी का नाम है मकाओ ग्रांड प्री। मकाओ चाइना का एक शहर है, ये गैम्बलिंग के लिए भी बहुत मशहूर है मकाओ। तो मकाओ ग्रांड प्री और न्यूजीलैंड ग्रांड प्री, ये दो ऐसी ग्रांड प्री हैं जो कि फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के हिस्सा नहीं है। जीएनएफसी टाउनशिप किस हैज बिकम इंडिया फर्स्ट एवर कैशलेस टाउनशिप। तो ये एक ऐसा टाउनशिप है जो कि इंडिया भारत का पहला कैशलेस टाउनशिप बन गया है। और ये पूछा गया हमसे कि ये किस स्टेट में है, तो आप ये देख सकते हैं गुजरात नेचुरल फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन की टाउनशिप है, तो ये डेफिनेटली गुजरात है इसका जवाब। तो ये सबसे पहला टाउनशिप बना है जो कि कैशलेस हो गया है। तो यहाँ चाय की दुकान पे भी आप पेटीएम या कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ और तस्वीरें दी हैं भारत की जो पहली हैं। पहला जो साउथ इंडिया का पहला कैशलेस विलेज बना था वो था इब्राहिमपुर, और धसई भारत का पहला गांव था जो कैशलेस बना था। धसई आपको याद ही होगा ये। और पहला जो आइलैंड यानी टापू जो कैशलेस बन गया है वो है मणिपुर का करांग टापू। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मणिपुर का करांग टापू भारत का पहला कैशलेस टापू है। फर्स्ट स्टेट फॉर कैशलेस सिस्टम ऑफ, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैशलेस फूड ग्रेन्स के बारे में पूछा गया है हमसे। ये पहले भी मैंने शायद क्वेश्चन किसी उसमें कवर किया है। तो डेफिनेटली ये गुजरात है और ये आधार कार्ड पर बेस कैशलेस सिस्टम इन्होंने चालू करा है जो कि नेशनल फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के लिए इन्होंने कराया है, जिसमें अनाज सस्ते दामों पर गरीबों को मुहैया कराया जा सकता है। तो अब उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है और ये बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में से करप्शन को हटाने की कोशिश करी गई है इसमें। तो याद रखिए कि पहला कैशलेस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड यानी कि खाद्य पदार्थों के वितरण के लिए पहला कैशलेस सिस्टम यानी बगैर पैसे का कैशलेस सिस्टम। 2017 द गेटवे ऑफ इंडिया जियो इकोनॉमिक डायलॉग, ये कौन सी स्टेट करेगी। तो गेटवे ऑफ इंडिया हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में है, तो ये महाराष्ट्र में ही हो रही होगी। अब ये मुंबई में हो रही है और 13 से 14 फरवरी के बीच में होगी और इसकी थीम इस बार है वेयर जियो पॉलिटिक्स मीट्स बिजनेस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये भी पूछा जा सकता है सवाल, वेयर जियो पॉलिटिक्स मीट्स बिजनेस। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा कराई जा रही है और गेटवे हाउस इसका पार्टनर है। और ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली इसमें पैनल डिस्कशन होते हैं और ये सॉवरेन फंड्स, ग्लोबल टैक्सेशन और डिजिटल इकोनॉमी जैसे टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं ये लोग। तो इसका जवाब है महाराष्ट्र 2017 की द गेटवे ऑफ इंडिया। इसरो ने अभी 104 सैटेलाइट लॉन्च करी, तो ये तो हम सभी जानते हैं, इसका नाम PSSLV C-37 है। ये यहाँ पे एक रॉकेट की फोटो भी मैंने डाल दी। तो इसमें क्या क्या हुआ चलिए देखते हैं। ये सतीश, पहली बात तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च करी गई आंध्र प्रदेश में जो है। दूसरा इसमें 104 सैटेलाइट थी जिसमें 664 किलोग्राम की सिर्फ एक ही सैटेलाइट थी जिसका नाम था कार्टोसैट 2। इसके सिवाय दो मिनी सैटेलाइट्स थी जो भारत की थी, 88 अमेरिका की थी और बाकी विभिन्न देशों की थी। और इससे पहले ये रिकॉर्ड रशिया के पास था जिसने 37 सैटेलाइट लॉन्च करी थी एक बार में। और इसमें इसरो का अगर हमसे ये पूछा जाए कि किस साल में ये गठन किया गया था, तो ये था 1962
69 ये भी एक याद रखने वाला तथ्य है और इससे सोमालिया के नए प्रधान राष्ट्रपति का क्या नाम है, कौन प्रधान सोमालिया का नया राष्ट्रपति बना है, तो इसका जवाब है मोहम्मद अब्दाली फरमाजो, ये बने हैं सोमालिया के नए राष्ट्रपति, ये फरमाजो साहब है, इनकी तस्वीर या जरा याद रखिएगा, काफी देसी लगते हैं शक्ल से, तो मोहम्मद अब्दाली फरमाजो। इंडिया पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल 2017 ये किस सिटी में आयोजित किया जाएगा, तो 2016 का पहले मैं बता दूं आपको, ये शिलांग में किया गया था 2016 का, और इस बार का ये करा जा रहा है, अगर हम ये फोटो देखें तो ये डॉलीगंज में हो रहा है, डॉलीगंज किस शहर कहाँ पर है, तो दोस्तों ये 15 से फरवरी से 19 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है, और ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी एंड टूरिज्म, सो टूरिज्म और फिल्म फेस्टिवल दोनों के जो डायरेक्टरेट हैं वो मिलके ये कराते हैं, और ये इस बार पोर्ट ब्लेयर में किया जा रहा है, तो इसका जवाब है पोर्ट ब्लेयर, और ये बेसिकली अंडमान निकोबार में कराया जा रहा है, और इसमें करीब 15 अवार्ड विनिंग फिल्मों का स्क्रीनिंग होगा। यूनियन गवर्नमेंट ने खनन ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये हमसे सवाल पूछा गया है कि यूनियन मिनिस्ट्री ने एक नया, यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया पोर्टल चालू किया है, तो अगर हम इस फोटो को देखें तो इसमें पीयूष गोयल जी हैं जो कि हमारे पावर कोल और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी एंड माइंस के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर, और इसका नाम है ताम्रा, तो ताम्रा इसका नाम है, और ये क्या मोबाइल ऐप है और एक पोर्टल है, ये बेसिकली क्या करता है कि ये जो भी खनन माफिया है उनका काम कम करने के लिए या खराब करने के हिसाब से बनाया गया है, ताकि ज़्यादा लोगों को पता चले कि क्या चल रहा है ऑक्शन के बाजार में, तो सारी इन्फॉर्मेशन एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगी किस जगह पे क्या चल रहा है, तो इससे जो हमारे खनन माफिया हैं उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना हो सकता है। कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसने सैनिटेशन और हाइजीन में कायाकल्प अवार्ड जीता, तो ये हमसे पूछा गया है कि कायाकल्प जो अवार्ड है ये कौन सा हेल्थ इंस्टीट्यूट है, तो मैं इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कैश प्राइज मिलता है जो कि करीब 5 करोड़ रुपए का है, चेक से मिला है, और ये हमारे एम्स न्यू दिल्ली ने जीता है साफ सफाई और रख रखाव के लिए, और बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखें ये इंफॉर्मेशन थोड़ी छोटी है मेरे लिए, तो अगर आप इस जब इसे बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा, तो आप इसे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको एक कायाकल्प अवार्ड स्कीम के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। टीवी परशुराम हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच फील्ड, तो ये टीवी परशुराम जी हैं और ये चेहरा काफी जाना पहचाना है, तो अगर आप ये करीब 93 साल के थे और ये पीटीआई के करस्पोंडेंट्स रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ यूनाइटेड स्टेट्स में, तो ये पीटीआई कॉरेस्पोंडेंट रहे करीब 50 के दशक से, और इन्होंने हार्वर्ड नाइमैन फेलोशिप इन जर्नलिज्म भी जीत रखी है, उसके बाद ये इंडियन एक्सप्रेस में भी रहे काफ़ी टाइम तक, और इन्होंने दो किताबें भी लिखी हैं, अ मेडल फॉर कश्मीर, अ फर्स्ट हैंड अकाउंट ऑफ द इंडियन आर्मीज ऑपरेशन इन 1947-48 इन जम्मू एंड कश्मीर, और इंडिया ज्यूइश हेरिटेज, तो ये एक लेखक भी हैं, तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि किसने लिखी है ये किताबें, तो ये
जनरल से एसोसिएटेड थे पीवी परशुराम, और दो किताबें भी लिख चुके हैं। सार्टेक कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सार्टेक की स्थापना करी है भारत देश में? तो ये मैंने यहाँ पे इसकी फोटो डाल रखी है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है ये। इसकी स्थापना करते हुए मीटिंग हुई जो कि मंडे फरवरी 13, 2017 को नई दिल्ली में आयोजित करी गई। और सार्टेक करता क्या है? तो बेसिकली सार्टेक जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपेसिटी टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। तो ये देश विदेश से रिलेटेड जो पॉलिसीज होती हैं उनके बारे में है सार्टेक। और ये पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए भी काम करेगा। जॉ प्योरे लिकोरिक्स ये कहाँ के हैं? और इनको बनाया गया अंडर यूनाइटेड नेशंस का अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर पीस कीपिंग ऑपरेशंस। तो ये जॉन पियरे लिकोरिक्स की तस्वीर है और ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस जैसा कि आप देख सकते हैं तो ये फ्रांस के हैं। इनका नाम भी सजेस्ट कर रहा है कि ये फ्रेंच हैं, पर ये आपको ध्यान रखने की बात है कि ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंडर सेक्रेटरी हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि अंडर सेक्रेटरी कौन है तो अलग व्यक्ति हैं ये। और ये इनके पहले थे हर्व लाडुसस, LADUSS, LADSOUS। सो मैंने आपको स्पेलिंग बोल दी है, लिखने में काफी समय व्यर्थ होता है। इंडियन सीट कांग्रेस ISC 2017 कहाँ पे होगी? और ये हमसे पूछा गया है इंडियन सीट कांग्रेस कहाँ पे होगी, तो ये कलकत्ता में हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, नोवोटेल कोलकाता होटल एंड रेसिडेंसेस में। और ये इसकी मैंने फोटो डाली है, तो ये कोलकाता इसका आंसर है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इंडियन स्पाइस कांग्रेस कहाँ होगी तो वो कोवलम में हो रही है, ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है सीड ऑफ जॉय। तो इस बार की ये थीम रखी गई है और बेसिकली इसमें नई प्रकार की तकनीकें, बीज इत्यादि से रिलेटेड ये होती है, बिजनेस डेवलपमेंट भी किया जाता है इसमें। संदीप सिंह को ऑनरेरी डिग्री दी गई है स्पोर्टिंग एक्सलेंस में, एक इस खेल से रिलेटेड है। तो ये फोटो डाली हुई है मैंने यहाँ पे, तो ये हॉकी प्लेयर है संदीप सिंह। और ये पहले ये भारतीय टीम के एक्स कप्तान भी रह चुके हैं और ये दूसरे भारतीय हैं जिनको ये डिग्री दी गई है। और इनको ये अवार्ड दिया है देशभगत यूनिवर्सिटी अमलोहा फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट पंजाब ने। और इनको इनसे पहले ये डिग्री मिली थी दिलीप तिर्की को, जो कि अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और फॉर्मर कप्तान रह चुके हैं। और इनको ये डिग्री दी थी सांबलपुर यूनिवर्सिटी ने 2010 में। कौन से चेस मास्टर को कैंडिडेट मास्टर टाइटल से नवाजा गया है वर्ल्ड चेस फेडरेशन द्वारा? तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही छोटी उम्र के खिलाड़ी हैं, इनका नाम खुश भगत है और अब ये दूसरी कक्षा में ही है, तो काफी कम उम्र में इन्होंने ये अवार्ड जीत लिया है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो हमने पिछले 6 महीनों में इन्हें उन्होंने अंडर 7 महाराष्ट्र स्टेट चैंपियनशिप जीती, अंडर 7 ब्लिट्स चैंपियनशिप जीती रशिया में, और इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते वेस्टर्न यूथ चैंपियनशिप UAE में। और अभी ये दूसरी कक्षा के ही छात्र हैं, तो आप देख सकते हैं कि काफी मेधावी
खिलाड़ी हैं और आने वाले वक्त में इनका नाम काफी सुनने में भी ही आएगा। हुनर हाट की थीम क्या है 2017 की, तो ये देखते हैं फोटो से। मदद हमारी मंजिल आपकी, क्राफ्ट और कुजीन का संगम, तो ये हुनर हाट की थीम है इस बार की और ये 11 से 26 फरवरी 2017 तक आयोजित करी जा रही है। इसका इनॉग्रेशन किया और श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी ने और ये अपने प्रधानमंत्री जी की भी फोटो है इसमें। तो इसका जवाब है क्राफ्ट और कुजीन का संगम। तो हुनर हाट में होता क्या है, हुनर हाट में बेसिकली जो जो कारीगर हैं उनकी बेसिकली हुनर दिखाने का मौका मिलता है इन्हें, और ये उसका बेसिक स्ट्रेस रहता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर। तो इस बार करीब 100 कारीगर और करीब 30 बावर्ची इसमें हिस्सा ले रहे हैं 24 स्टेटों से, और करीब 130 स्टॉल हैं इसमें। और इसको नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन NMDFC ने आयोजित कराया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, बेसिकली माइनॉरिटीज के हुनर और माइनॉरिटीज की जो कुजीन्स हैं उसके बारे में है ये। 10वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस के बारे में, इसके बारे में बातचीत करी जा रही है। तो ई गवर्नेंस आजकल काफी चर्चा में है। अभी अरुणाचल प्रदेश ने भी ई कैबिनेट लॉन्च किया हाल ही में। तो ये ICGOV.gov करके ऑर्गेनाइज किया गया नई दिल्ली में, और ये अभी करा जाएगा एक्चुअली, ये 7 से 9 मार्च को करा जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये 10वां एडिशन है। तो इसका वो थीम है बिल्डिंग नॉलेज सोसाइटीज फ्रॉम डिजिटल गवर्नमेंट टू डिजिटल एम्पावरमेंट, और ये अपना इंडिया करा रहा है, नई दिल्ली में ही होगी। 2017 यूनाइटेड किंगडम आउटस्टैंडिंग ब्रेवरी ऑफ द ईयर अवार्ड ये किसे दिया गया है, तो ये साहब हैं और इनका नाम है शान पनेसर, और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया। तो शान जी ने क्या कार्य काम किया, बेसिकली इन्होंने एक दंपत्ति को जलती हुई बिल्डिंग से बचाया लंदन में सितंबर 2016 में। तो इनके काम से काफी खुश होके लंदन सरकार ने इन्हें ये इनाम दिया है, और बेसिकली ये वहाँ पर एक स्कॉटलैंड यार्ड नामक जगह वो है पुलिस फोर्स, तो ये उसमें कांस्टेबल का काम करते हैं। 2017 नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड ये किसे दिया जा रहा है, तो ये फोटो से याद रखने में सुविधा होगी काफी। तो ये अपने शाहरुख खान साहब है, इनको ये अवार्ड इस बार दिया जा रहा है 2017 का नेशनल यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड। हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ये किताब किसने लिखी है, तो यहाँ पे हम किताब का एक पन्ना है मैंने लिया है, हेमा मालिनी जी की काफी खूबसूरत तस्वीर है, पुरानी भी लग रही है, और ये है इंडिया फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार, इट इज अ प्रिविलेज टू बी पब्लिशिंग ऑथराइज बायोग्राफी। तो ये इनकी बायोग्राफी लिखी गई है, और इनको इसकी बायोग्राफी लिखी है राम कमल मुखर्जी ने, तो आंसर है राम कमल मुखर्जी। तो ये याद रखने में आसानी रहेगी इस फोटो से काफी, राम कमल मुखर्जी और ये हेमा मालिनी की एक खूबसूरत तस्वीर। इंडिया हाई कमिश्नर टू कनाडा ये किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये हमारे विकास स्वरूप जी हैं, और इनको अभी हाल ही में इंडिया कमिश्नर फॉर कनाडा बना दिया गया। और ये एक स्लम डॉग मिलियनेयर नामक किताब भी लिख चुके हैं, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, काफी विख्यात हुई थी, ए आर रहमान को उसके लिए ऑस्कर से भी नवाजा गया था संगीत के लिए। तो याद रखना काफी आसान है, विकास स्वरूप जी हैं स्लम डॉग मिलियनर के ऑथर, जिन्हें हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा बनाया गया। आर्द्रम नामक पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव कौन सी स्टेट ने चालू किया है, तो पहले हम इसके मिशन ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं आर्द्रम के। तो
patient friendly transformation of OP services in hospitals and deliver quality care. तो अस्पतालों में अच्छी सुविधा और अच्छी पेशेंट फ्रेंडली यानी बीमारों के से दोस्ताना व्यवहार के लिए बनाया गया है इसे. क्वालिटी सर्विस डिलीवरी थ्रू मेजर हॉस्पिटल्स बाय अपग्रेडिंग. तो अस्पतालों में जो फैसिलिटीज हैं उनका अपग्रेडेशन करा जाएगा इसमें. डेवलप पी एच सीज एज फैमिली हेल्थ सेंटर्स एंड प्रोवाइड टोटल हेल्थ केयर थ्रू डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडर्ड. तो ये जो लोकल अस्पताल होते हैं इनका भी डेवलपमेंट किया जाएगा स्कीम के अंडर. और ये बेसिकली केरला गवर्नमेंट ने चालू करी है ये स्कीम. तो आराद्रम नामक स्कीम करी गई है. तो बेसिकली इसमें जो प्रोग्राम है इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य इसका तथ्य है, वो जरूरत से ज्यादा जो खर्चे होते हैं इलाज में उनको कम करने का है. तो और बेटर सर्विसेज देने के लिए. तो ये बेसिकली जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी जो सर्विसेज हैं उनको अच्छा करने के लिए, सेवाएं जो है उनको अच्छा करने के लिए करा गया है, ताकि वो किसी भी प्राइवेट अस्पताल से टक्कर ले सकें. विच सिटी विल होस्ट फर्स्ट स्पोर्ट थीम लिटरली फेस्टिवल स्पोर्टेल. तो ये स्पोर्टेल नामक लिटरली फेस्टिवल हो रहा है, इसकी मैंने फोटो भी डाली है यहाँ पे स्पोर्टेल. तो अगर आप देखें ये शब्द स्पोर्ट और टेल, टेल मतलब कहानी, स्पोर्ट मतलब स्पोर्ट, तो खेलों की कहानी, आप इसे हिंदी में अगर आप इसको करें तो खेलों की कहानी याद रख सकते हैं. और ये बेसिकली 2 फरवरी को आयोजित किया गया था, 2 दिन का इवेंट था ये. और इसमें करीब 38 लोगों ने हिस्सा लिया था जो कि स्पोर्ट्स मीडिया सिनेमा बुक और फोटोग्राफी की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं. और इसका आयोजन किया गया था पूना में, महाराष्ट्र, ये याद रखने के लिए जरूरी है पूना. 2017 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है. तो ये बहुत ही एक प्रसिद्ध अवार्ड है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड. और ये अमरीकी महिला है सिमोन बाइल्स जिन्होंने ये अवार्ड जीता है. ये अवार्ड की तस्वीर है और ये अपने मेडलों के साथ फोटो खिंचवाते हुए आप देख सकते हैं इन्होंने कितने मेडल जीत रखे हैं. और ये जो सेरेमनी हुई थी अभी मोनाको नामक स्थान में हुई थी. और इन्होंने जो सिमोन बाइल्स हैं इन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते जिम्नास्टिक्स में. और इस बार उसैन बोल्ट को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दिया गया है. और शिकागो कब को, शिकागो कब एक अमरीका की टीम है बास्केटबॉल में, उसको टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है. तो अगर आपसे स्पोर्ट्समैन पूछा जाए तो वो उसैन बोल्ट है और अगर टीम पूछा जाए तो वो शिकागो कब है. तमिलनाडु के नए चीफ मिनिस्टर का नाम तो हम सभी जानते हैं, अभी अभी हाल ही में चेंज करा गया है. इनका नाम है एडप्पाडी पलनी स्वामी और ये अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कजगम AIDMK जो कि वहाँ की काफी प्रसिद्ध पार्टी है उसके वो है. और इनसे पहले पनीर सेल्वम थे, जयललिता जी का भी हाल ही में निधन हुआ था तो उसके बाद पनीर सेल्वम ने बागडोर संभाली थी और अब वो बदल के एडप्पाडी के पलनी स्वामी बना दिए गए हैं. भारत की 2017 इकोनॉमिक फेडरेशन इंडेक्स में क्या स्थान रहा. तो ये एक अमरीकी फाउंडेशन है जो कि ये हर साल निकालती है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स. और इसमें भारत का स्थान पूछा गया है. पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये एक पॉलिटिकल थिंक टैंक है. जैसे कि हमारा नीति आयोग है वैसे ही अमेरिका का है ये द हेरिटेज फाउंडेशन. और ये जो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है ये बेसिकली अलग अलग देशों में कितना इकोनॉमिक फ्रीडम है उसका माप तोल करता है. और इसमें भारत की रैंक रही 143वीं जो काफ़ी खराब है मानी जाएगी अगर हम देखें, क्योंकि भारत वह
बहुत ही कम देशों से आगे रहा इसमें। और इसमें एक जरूरी इंफॉर्मेशन यह है कि इस बार इसमें हांगकांग सबसे ऊपर रहा है, और सिर्फ दो कंट्रीज थी जो भारत से नीचे रहे, इसमें अफगानिस्तान और मालदीव थे। दो साउथ एशिया स्पीकर समिट कहाँ पे आयोजित करी जाएगी? कौन सा स्टेट ऐसा है जो 2017 की साउथ एशिया एशियन स्पीकर समिट आयोजित करेगा? तो अगर हम इसकी फोटो देखें तो यहाँ पे हमें इंदौर खास दिख रहा है, 18 से 20 फरवरी के बीच में करी जाएगी, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए करी जा रही है। तो ये सतत विकास लक्ष्यों को आयोजित के लिए करी जा रही है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में है, तो इसका जवाब मध्य प्रदेश है, और इसको सुमित्रा महाजन जी ने इनॉग्रेट किया, और इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड करेंगे इसको। और ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें पाकिस्तान और म्यांमार के, ये मैंने पिछले उसमें भी कवर किया था, पाकिस्तान और म्यांमार इसमें नहीं भाग ले रहे हैं, इसलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें नहीं ले रहे तो पाकिस्तान और म्यांमार इसमें मिसिंग रहेंगे। 2017 ब्रांड लॉरेट लेजेंडरी अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये लता मंगेशकर जी को दिया गया है, और अगर ये बेसिकली एशिया पैसिफिक ब्रांड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अवार्ड होता है, और इसमें जो वर्ल्ड क्लास अचीवमेंट अचीवर्स होते हैं जिनकी सारी दुनिया में विख्यात हैं, जो उनको दिया जाता है ये अवार्ड। तो इस बार ये लता मंगेशकर जी को दिया गया है। जम्बूवंत राय धोते, इनका हाल ही में निधन हो गया था, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो ये कौन सी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के मेंबर थे? तो ये फोटो से आप देख सकते हैं काफी उम्र दराज व्यक्ति थे, ये करीब 83 साल की इनकी उम्र थी, और ये 5 दफे महाराष्ट्र असेंबली से इलेक्ट हुए, और काफी मूवमेंट्स में, किसान मूवमेंट्स में इन्वॉल्व थे, और इनको लॉयन ऑफ विदर्भा भी कहा जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लॉयन ऑफ विदर्भा, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, लॉयन ऑफ विदर्भा। तो ये अगर आप देखें फोटो गौर से, तो यहाँ पे नागपुर है, ये नागपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आंसर इज नागपुर। 2016 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है? तो ये फोटो भी मैंने डाली है, ये सुरेंद्र वर्मा जी हैं, इनको 2017 का व्यास सम्मान दिया गया है, और इनको इनकी नॉवल कतना शामी का वृक्ष, पद्मा पंखुड़ी की धर से, इन्होंने एक कहानी लिखी है हिंदी में, हिंदी स्कॉलर हैं ये, और ये अवार्ड जो है ये के बिरला फाउंडेशन देता है हर साल, और इसमें इन्हें 3.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया है, और ये बेसिकली हिंदी भाषा के ही लिए सम्मान मनाया गया है। 2016 का व्यास सम्मान सुरेंद्र वर्मा जी, नॉवल का नाम मैं एक बार और बताता हूँ आपको, कटना शामी का वृक्ष, पद्मा पंखुड़ी की धर से। तो अगर आपसे ये पूछा जाए ये किताब किसने लिखी है, तो ये श्री सुरेंद्र वर्मा जी ने लिखी है। 2017 आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फोटो डाली है, इंग्लैंड और वेल्स में किया जाएगा 2017 वुमेन्स वर्ल्ड कप आईसीसी। फोटो याद रखिएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। विच इंडियन पर्सनालिटी टू होस्ट हिंदी वर्जन ऑफ इंटरनेशनल शो टेड टॉक्स? तो टेड टॉक्स नामक, अगर आपने शो नहीं देखा तो यूट्यूब पे जरूर देखिए, काफी इंस्पिरेशनल शो होता है,
और इसमें देश विदेश की नामी गिरामी हस्तियां आती हैं जो अपने बारे में लोगों को बताती हैं उन्हें प्रेरणा देने के लिए। और अब इसका एक हिंदी वर्जन स्टार्ट किया जा रहा है, हिंदी में होगा ये शो। तो अगर आप ये फोटो देखें, आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग, इसका वो है थीम, और ये हमारे शाहरुख खान होस्ट करेंगे। तो अगर आप ये फोटो याद रखेंगे तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। तो ये हमारे शाहरुख खान साहब हैं जो कि आयोजित कर रहे हैं, होस्ट करेंगे, सॉरी। और इसका ये आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग, इसका इंग्लिश वर्जन का वो है, इसका हिंदी का थीम है नई सोच। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसका नाम नई सोच रखा जाए, आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग की जगह नई सोच लिखा जाएगा। बेसिकली इसमें नए नए विचारों के बारे में बताया जाता है, नए नए आइडियाज जो होते हैं, और ये स्टार इंडिया पे प्रोग्राम आएगा। इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फीबा के टेक्निकल डेलीगेट कौन से भारतीय को बनाया गया है? तो ये श्री नॉर्मन आइजैक जी हैं, और ये पहले भारतीय हैं जिनको फीबा इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन का टेक्निकल डेलीगेट घोषित किया गया है। और इससे पहले ये एक फीबा कमिश्नर रह चुके हैं। टाटा मोटर है साइंट पैक, टाटा मोटर ने भी करार किया है टेक्नोलॉजिकल जायंट व्हीकल टेक्नोलॉजी में। ये आप देख सकते हैं, मैंने फोटो डाली है करार की, माइक्रोसॉफ्ट और टाटा मोटर्स के बीच में हुआ है ये करार। तो आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट गाड़ियां बनाएंगे अब ये टाटा मोटर्स वाले। और इसमें बेसिकली इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की मदद ली है। और इसका पहला जो व्हीकल बनाएंगे, ये गाड़ी जो बनाएंगे, इनके सहयोग से इसका लॉन्च करेंगे ये लोग इसको 87 जिनीवा मोटर शो में, जो कि 7 मार्च 2017 को आयोजित की दी जा रही है। इंडिया वेटिवर नेटवर्क INVN, ये अभी लॉन्च किया गया है, और ये किस स्टेट में किया गया है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो वेटिवर क्या होता है? वेटिवर ये एक किस्म की घास होती है, और इसमें काफी जो इसकी रूट होती है इसमें काफी अच्छी खुशबू होती है, और ये बेसिकली सॉइल इरोजन, वाटर पोल्यूशन, इस किस्म के जो एरियाज हैं उनमें अगर इन्हें उगाया जाए तो इन सब चीजों से इसको बचाया जा सकता है धरती को। तो ये अभी कहाँ पे चालू करी गई है? ये करी गई है तमिलनाडु में। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ये याद रखिए, वेटिवर एक किस्म की घास होती है। थर्ड एडिशन ऑफ LIC गेटवे लिट फेस्ट, ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, कौन से स्टेट है? तो इसकी फोटो देखते हैं, नरीमन पॉइंट NCPA, 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है, थर्ड एडिशन है इसका। तो नरीमन पॉइंट हम सभी जानते हैं कि बॉम्बे में है, तो बॉम्बे इज इन महाराष्ट्र, तो आंसर इज महाराष्ट्र। देखिए फोटो से फोटो याद रखना काफी आसान होता है। अगर आपको ये फोटो याद रहेगी थर्ड एडिशन, तो आप कभी भी नरीमन पॉइंट नहीं भूलेंगे, और आपको कभी भी ये नहीं भूलेंगे कि LIC गेटवे लिट फेस्ट जो है ये आपका महाराष्ट्र में हो रहा है। और इसकी इस बार की थीम है द कंटेम्परेरी फेस ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, कंटेम्परेरी फेस ऑफ इंडियन लिटरेचर है इसका। और ये बेसिकली 5 भारतीय भाषाओं पे गौर कर फर्क करता है, जो कि बंगाली, मराठी, मलयालम, पंजाबी और तमिल है। और इसमें करीब 50 लेखक 15 भाषाओं के हिस्सा लेते हैं। और इस बार इसमें जो खासियत है, इस बार इसमें नेशनल अवार्ड विनर KR मीरा, स्क्रिप्ट राइटर अंजलि मेनन, और
फिल्म मेकर अदूर गोपाल कृष्णा भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा खास बना दिया गया है। और इस बार इसमें कोसली के जो पोएट हैं हल्दर नाग जी, उन्हें पहला गेटवे लिट फेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है। तो इनका नाम हल्दर नाग है और ये कोसी भाषा में लिखते हैं। हल्दर नाग तो इनको इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जा रहा है इस पर्टिकुलर लिट फेस्ट, गेटवे लिट फेस्ट में। न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड, तो ये फोटो डाली है मैंने, शेरोजीले लुट्सो, ये नए सीएम बनने हैं नागालैंड के। तो शेरोजीले लिडित्सु इनको बनाया गया है नया सीएम। और इनसे पहले टीआर जाइलांग थे नागालैंड के सीएम, जिन्होंने अभी हाल ही में रिजाइन कर दिया क्योंकि ट्राइबल एजिटेशन चल रहा था उसके मद्देनजर। तो अभी इन्हें 22 फरवरी को ही शपथ दिलाई गई। जो विल्फ्रेड सुंगा 2017 रोटरडेम टेनिस टूर्नामेंट जीत गए हैं और ये किस देश को बिलोंग करते हैं? दोस्तों ये इनकी फोटो डाली है मैंने, जो विल्फ्रेड सोंगा की, और हमसे पूछा गया है किस देश को बिलोंग करते हैं, तो ये फ्रेंच टेनिस प्लेयर हैं फ्रांस के। और इन्होंने डेविड गॉफिन जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी हैं उन्हें फाइनल में हराया 4-6, 6-4, 1-6, 1 से। शिवाजी बनर्जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये लेजेंडरी प्लेयर किस खेल से थे? तो शिवाजी बनर्जी के बारे में पूछा गया है और हम देख सकते हैं ये गोलकीपर थे, काफी पुरानी फोटो है। तो ये एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और ये मोहन बगान से खेलते थे और इंडियन नेशनल टीम के भी गोलकीपर रह चुके हैं, और इन्होंने मोहन बगान के लिए 11 साल तक गोलकीपिंग करी। और इन्होंने एक बार पेले के गोल को भी रोक दिया था, तो इसलिए ये काफी लेजेंडरी प्लेयर माने जाते हैं भारतीय खेल के। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने अभी करार किया है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग के लिए? बेसिकली एजेंसी स्टार्ट कर रहा है हायर एजुकेशन की फाइनेंस के लिए, तो इन्होंने करार किया है और ये कैनरा बैंक है जैसे कि आप फोटो से देख सकते हैं। और बेसिकली ये इन्होंने करीब 20,000 करोड़ रुपए का को अलग किया है। तो ये जैसे आपके IITs, IIMs और NITs जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, इनमें जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनको फंड करेंगे। बेसिकली रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बनाया गया है ये, तो इसके लिए काफी हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है इस किस्म के रिसर्च प्रोजेक्ट्स के, तो उनकी फंडिंग के लिए ये एक हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी का गठन किया गया है। 20,000 करोड़ रुपए इसमें डाले गए हैं और ये कैनरा बैंक ने करा है। लेट्स रीड टुगेदर प्रोग्राम वॉज हेल्ड इन विच स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स, तो ये एक प्रोग्राम चालू किया गया है लेट्स रीड टुगेदर। यहाँ एक फोटो है लेट्स रीड टुगेदर की, तो ये हमसे पूछा जा रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में से चालू किया गया, तो कौन सी स्टेट में करा गया है? तो ये मध्य प्रदेश में चालू किया गया है दोस्तों, लेट्स रीड टुगेदर। और इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये फरवरी 18 को, पहले मैं ये बता दूं, ये फरवरी 18 को किया गया और इसका उद्घाटन किया गया था चीफ मिनिस्टर जो शिवराज सिंह चौहान जी है उन्होंने किया, और इसमें करीब 1,26,000 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया था जिन्होंने एक दिन के लिए टीचर्स
टीचर का रोल अदा किया और इन्होंने हिंदी में पढ़ा और लोगों बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित किया। तो ये एक दिन के लिए आयोजित किया गया प्रोग्राम था मध्य प्रदेश में। भारत ने नेपाल को कितना सॉफ्ट लोन दिया है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि जो डैम वैम है ये सब इस किस्म की चीज़ें बनाने के लिए भारत ने नेपाल को एक सॉफ्ट लोन दे दिया है अभी हाल ही में $340 मिलियन का। और इस प्रोजेक्ट के चलते महाकाली ब्रिज और 15 सड़कें बनाई जाएंगी नेपाल में $340 मिलियन की लागत से। तो ये अभी हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नेपाल में, नेपाल इंफ्रास्ट्रक्चर समिट, उसके दौरान इसे दिया गया है। अल्तमास कबीर ये फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं इंडिया के और इनको इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये पूछा जा रहा है कि किस स्टेट से थे, तो वेस्ट बंगाल से थे CJI, तो वेस्ट बंगाल इसका आंसर है दोस्तों। और ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत ही कम कार्यकाल के लिए रहे, सिर्फ 9 महीने के लिए चीफ जस्टिस रहे थे। और ये बेसिकली न्यूज़ में क्यों हैं, क्योंकि इन्होंने जो दो, आपको याद होगा, दो इटालियन मरीन्स थे, उन्होंने कुछ भारतीय नाविकों को मार दिया था और उन पर केस चला था। तो इन्होंने, यही वो जज थे जिन्होंने वो केस को सुना था और इस वजह से इनका थोड़ा सा याद रखने वाला वो है कि ये वेस्ट बंगाल से थे, जो पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि मरीन केस में जो जज थे वो कौन थे, तो उनका नाम था अल्तमास कबीर। ये बेसिकली सिंगल बेंच नहीं थी, ये बेंच थी 2-3 जजेस की। तो ये आप याद रखें। क्लाउड सीडिंग प्रोग्राम कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने चालू करी है भारत वर्षा के लिए, तो पहले देखते हैं कि क्लाउड सीडिंग होता क्या है। तो इसमें थोड़ी कम अमाउंट में सिल्वर आयोडाइड प्रोपेन फ्लेम के ऊपर इसे स्प्रे किया जाता है। तो ये सिल्वर आयोडाइड जो पार्टिकल होते हैं ये क्लाउड्स में चले जाते हैं, ऊपर बादलों में चले जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बादलों में वाष्प होती है वो जम जाती है, जिससे बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं और ये बड़े होते जाते हैं और ये नीचे गिरते हैं, और जैसे ऐसे नीचे गिरते हैं ये पानी बन जाते हैं, तो इससे वर्षा होती है। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल तरीका है वर्षा करने के लिए। इसमें जो याद रखने वाली बात है, ये एक सिल्वर आयोडाइड है और ये हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आंसर इज महाराष्ट्र। और ये इन्होंने विदर्भा रीजन के ऊपर किया है जहाँ पे सूखा अकाल पड़ रहा है, इस वक्त सूखा आया है, और इसमें करीब ये 250 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो इसमें इसे जो प्रोग्राम है, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है दोस्तों ये है कि ये 100% सक्सेसफुल प्रोग्राम नहीं है। यदि अगर हवा चल जाए और बादल उड़ जाए जो कि सिल्वर आयोडाइड से बने हैं, तो ये पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि बारिश वहीं पर हो जहाँ पे चाहिए। नेशनल MSME एक्सलेंस अवार्ड 2017 ये कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक ने जीता है, तो चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ये अवार्ड देता है। और ये कौन से बैंक में जीता है, तो ये कॉर्पोरेशन बैंक है, आप याद रख सकते हैं फोटो से। बस दोस्तों यहाँ पे जो होता है कि दोनों फोटो को रिलेट करने वाली बात है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे काफ़ी आसानी से क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, इसलिए मैं आपके साथ टेक्निक शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इसमें काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है फोटोज़ को ढूंढने में, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको फोटोज़ याद रहेंगी तो आपको थीम जरूर याद रहेगी। जैसा अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल कॉन्डम डे की क्या थीम थी, तो आपको एकदम से वो फोटो याद आ जाएगी और उस पर लिखा था ऑलवेज इन फैशन। आसानी रहती है याद रखने में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबाइल वॉलेट बटुआ फॉर डिजिटल पेमेंट्स ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बैंक है ये। और इसके साथ इन्होंने एक दो नए कार्ड भी चालू कराए हैं, ओरिएंटल प्रीमियम कार्ड जो कि रुपए बेस्ड प्लैटिन बेस्ड कार्ड है, और ये प्लैटिनम इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, और दूसरा ओरिएंटल प्रीपेड कार्ड है जो कि इंडिविजुअल्स और कॉरपोरेट्स के लिए है। इसके सिवाय इन्होंने दो MSME स्कीम्स भी लॉन्च करी हैं, ओरिएंटल संजीवनी और ओरिएंटल बजट होटल्स एंड रेस्टोरेंट। तो ओरिएंटल संजीवनी जो है ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड स्कीम है इनकी, और जो दूसरी है वो होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसका नाम है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, और ये एक फैंसी सा बटुआ है तो इससे आपको याद रहना चाहिए, और इसको बस इस फोटो से रिलेट करिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का बटुआ। व्हाट इज द थीम फॉर यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे सोशल जस्टिस 2017? तो ये यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस अभी हाल ही में हुआ है 20 फरवरी को, तो इसकी हमसे थीम पूछी जा रही है। यहाँ मैंने फोटो डाली है, इस पर थीम तो नहीं दिया है इन्होंने, तो इसकी थीम है प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनेबल पीस थ्रू डिसेंट वर्क। तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इस बार इसकी थीम है, तो ये इन विषयों पे थोड़ा सा काम करेंगे इस बार। तो प्रिवेंटिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सस्टेनिंग पीस थ्रू डिसेंट वर्क। बेनारसरी सेन गुप्ता, इनका हाल ही में फिर निधन हुआ है। तो सॉरी इस बार ऑब्लिटरीज काफी है तो मेरे मुंह से फिर निकल गया, सॉरी गाइस। और इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो अगर हम ये फोटो देखें तो बेनारसी सेन गुप्ता ये एक एमिनेंट सिंगिंग स्टार थी, वेस्ट बंगाल की थी, और ये बंगाली सॉन्ग्स में स्पेशलाइज करती थी। तो बेसिकली ये बंगाली सिंगर थी बेनारसी सेन गुप्ता, और ये करीब 71 साल की थी, लगती नहीं है। तो इनका कलकत्ता में निधन हुआ था, वेस्ट बंगाल आंसर है। बैरन आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये अभी फिर से न्यूज में आ गया है क्योंकि ये इनका वोल्केनो जो है बैरन आइलैंड पे एक्टिव हो गया है, और हम सभी जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में है बैरन आइलैंड, और ये करीब 150 साल से डोरमेंट था, मतलब इसमें कोई हरकत नहीं थी, और ये अभी हाल ही में दोबारा से एक्टिव हो रहा है। ये इंडिया का ओनली वॉल्केनो भी है, ये इकलौता वॉल्केनो है जो कि एक्टिव है इस वक्त इंडिया में। विच इंडियन मूवी हैज वन इंटरनेशनल, ये हमसे पूछा जा रहा है। 67 बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो अभी हाल ही में हुआ है, इसमें कौन सी भारतीय सिनेमा ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ आर्ट सिनेमा अवार्ड जीता है, CICAE अवार्ड जीता है? तो ये मैंने फोटो डाली है न्यूटन, और आप शायद इस एक्टर को जानते होंगे, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ। और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमित मासूरकर ने, थोड़ी सी और जानकारी के लिए। और ये आप ध्यान रखिए, ये न्यूटन नामक फिल्म है। वो एवरी टाइम इट रेंस ये किताब किसने लिखी है? तो ये किताब की फोटो मैंने डाली है, आसानी रहेगी याद रखने में। और इसको लिखा गया है निकिता सिंह द्वारा, और नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप ये भी हाल ही में आयोजित हुई है ये भी, और इसको 50 किलोमीटर की होती है ये। तो इसमें ये पूछा जा रहा है इसमें गोल्ड किसने जीता है? तो मैंने फोटो डाली है इसकी, और इन सज्जन ने जीता है, सॉरी इनकी फोटो के ऊपर लकीर खिंच गई। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि ये
कौन है, कोई गेस मार्क लेगा? ये एक हरियाणा के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 3 घंटे 55 मिनट में ये रेस को पूरा किया और इन्होंने 2017 IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है, जो कि लंदन में होगी अगस्त 2017 में। तो इनका नाम है संदीप कुमार, ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 किलोमीटर नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप की थी। गोल्डन बियर अवार्ड, ये एक अवार्ड होता है, ये भी 67th बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कौन सी फिल्म ने जीता है, तो ये ऑन बॉडी एंड सोल फोटो मैंने डाली है यहाँ पे इसकी, और ये इसकी डायरेक्टर है, और ये एक हंगेरियन फिल्म है और इसकी डायरेक्टर जो है उन्होंने ही इस फिल्म को लिखा भी है। इनका नाम इडिको एन्याडी है, इडिको एन्याडी, तो उन्होंने इसको लिखा भी है और इसको बनाया भी है। ऑन बॉडी एंड सोल ये इसका फिल्म का नाम है जिसके लिए गोल्डन बियर दिया गया। नेशनल बायोडायवर्सिटी कांग्रेस 2017 कौन सी स्टेट में हुआ? और ये इसकी फोटो देखते हैं, नेशनल बायोडायवर्सिटी कांग्रेस 2017 की 22 फरवरी से 26 फरवरी तक आयोजित करी जाएगी। केरला स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड इसे मना कर रहा है, तो ये तो हमें पता लग गया कि ये केरला में हो रही है। और इसकी फोकल थीम है मेन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये इसकी थीम है। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, नेशनल बायोडायवर्सिटी कांग्रेस की थीम क्या थी? तो ये थी मेन स्ट्रीमिंग बायोडायवर्सिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और ये केरला में आयोजित करी जा रही है। कौन से यूनियन मिनिस्टर ने साइबर स्वच्छता केंद्र फॉर बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस लॉन्च किया है? तो ये अब सरकार ने थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया है, और ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चालू किया है। तो इसके हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी श्री रविशंकर प्रसाद जी हैं, इन्होंने इसे चालू भी किया है। तो अब ये अगर हम इसमें देखें तो ये इसमें इन्होंने बेसिकली एम कवच नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है स्मार्टफोन और टैबलेट्स को बचाने के लिए, और संविद नामक ऐप लॉन्च किया है डेस्कटॉप्स के लिए। तो ये बेसिकली जो मालवेयर होता है, जो गलत प्रोग्राम्स होते हैं कंप्यूटर्स इंटरनेट पे वो डाउनलोड ना हो, उससे बचाने के लिए इसे बनाया गया है सर। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है, मैं ये कोशिश करके हिंदी में करा मैंने इस बार ये वीडियो, तो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और याद रखने में आसानी रहेगी। और इस पे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए मुझे कुछ वो हिम्मत बनती है। दोस्तों एग्जाम्स के लिए उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिए, शेयर करिए जितने लोगों से आप कर सकते हैं। धन्यवाद।